हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट। आज है 29 जनवरी। 29 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो अभी हाल ही में ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। ट्रेन 18 2018 में बनी थी, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रख दिया गया था और अब इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। यह भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सातवीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सातवीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल पुरुष खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है। इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर सही है। और नोवाक जोकोविक कहाँ के निवासी हैं? ये सर्बिया के निवासी हैं। इन्होंने राफेल नडाल को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो अगर नारी शक्ति को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है तो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर टॉक्सिक को चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थ्री सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण में से 5% आरक्षण राज्य के कापू जाति को दिया जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं, कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है कि कापू जाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं। तो कापू जाति के लोग आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। अब देखते हैं लोकसभा में यह बिल कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में यह 8 जनवरी को और राज्यसभा में 9 जनवरी को पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी थी 12 जनवरी 2019 को। अगर पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इस बिल को पारित किया गया था, तो संविधान संशोधन 124वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस बिल को पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो ने लॉन्च किया है। अगर इसरो ने लॉन्च किया है तो देख लेते हैं इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्रेजेंट टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान है। अगर ये बात करें कि इसरो की स्थापना किसने थी, तो इसरो की स्थापना विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। इतना आपको इसरो के बारे में याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वसीम जाफर कितनी बार रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले 2 बार
पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा आंसर सही है, ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अविंद्रा जो है तो संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो अविंद्रा संयुक्त अभ्यास भारत और रसिया के बीच हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता देश बनने की स्थिति में है? तो दूसरी स्थिति में है अपना देश भारत। अगर बात करें पहले नंबर पे, तो वर्तमान में पहले नंबर पर अमेरिका है और वर्तमान में चाइना दूसरे नंबर पर और भारत की स्थिति तीसरी पोजीशन पर है। तो अभी जो है तो भारत को अनुमान लगाया गया है कि चाइना को पीछे करके दूसरे नंबर पर इसकी स्थिति आने की संभावना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब साइना नेहवाल ने जीता है। तो इसका आंसर दूसरा है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।